हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी का नेम है सुपर हिट स्टीम रोस्ट ड्रम स्टिक्स। मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और 100% गारंटी के साथ फुल ऑफ टेस्ट रेसिपी शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 7 ड्रम स्टिक्स यानी कि 7 लेग पीसेस, और इसको हम डीप कट्स लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह कट्स लगा रही हूँ। कट्स में इसको करीब करीब ही लगा रही हूँ, ज़्यादा दूर दूर नहीं लगाने, यानी कि ज़्यादा गैप से नहीं लगाएंगे। एक साइड से कट लगाने के बाद अब मैं इसको दूसरी साइड से भी कट लगा रही हूँ, और इसी तरीके से हमने तमाम पीसेस पर कट्स लगा लेने हैं। तो ये कट्स लग चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैरिनेशन। तो सबसे पहले हम इस पर फूड कलर अप्लाई करेंगे ताकि जो ड्रम स्टिक्स पे कलर है वो बहुत खूबसूरत सा आ जाए और उसकी जो बोन तक है वो कलर चला जाए। तो यहाँ पर मैं येलो कलर और रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। जो येलो कलर है वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करूँगी और रेड फूड कलर थोड़ा सा कम यूज़ करूँगी। मैं लिक्विड फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर फूड कलर है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और फिर इस पर अप्लाई कर दें अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों ऐड कर दिए हैं और मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। येलो फूड कलर की बजाय आप इसमें जर्दा रंग भी यूज़ कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, आपको जैसे इजी हो। अगर वो नहीं है तो आप ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छा लगेगा। लेकिन आप फिर रेड कलर थोड़ा सा और कम करेंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर बस अच्छे सा कलर देना है। अब ये देखें, यहाँ पर ये अच्छी तरह इसको लग चुका है। यहाँ पर मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच। आपने दही जो है वो गाढ़ी यूज़ करनी है, आपने इसको पतला यूज़ नहीं करना। अगर आपके पास पतला है तो उसका पानी निकाल लें। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून और सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी सुर्ख मिर्चें 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, और इसके बाद मैं डाल रही हूँ तिक्का मसाला 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक आपने हसबे जायका यूज़ करना है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और फिर मैं डाल दूंगी इसमें लाइट सोया सॉस तकरीबन 1 to 2 टीस्पून। और फिर मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस जो कि हम सूप में भी यूज़ करते हैं, ये है तकरीबन 2 टेबल स्पून। मुझे ज़रा स्पाइसी अच्छा लगता है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप सॉस थोड़ी सी कम डाल लें, और चिली फ्लेक्स भी आप कम डाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बनाएं, आप बहुत इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर इसको हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। आपने अच्छे तरीके से इन लेग पीस पर लगा देना है मसाला बिल्कुल अंदर तक, इसके कट्स में भी आपने लगा देना है। 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 4 to 5 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे और फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे, और जो बाकी का मसाला है वो हम इसी के ऊपर ही डाल देंगे। इससे इसका जायका और भी मज़ीद बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप वो कढ़ाई यूज़ करेंगे जिसका पैंदा थोड़ा सा बारीक या पतला होगा तो हो सकता है कि आपका चिकन थोड़ा सा जलने लगे, तो जो थोड़ी सी मोटी है कढ़ाई आप उसको यूज़ करें। यहाँ पर सारा मसाला डालने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर स्टीम होने के लिए रख देंगे, और ऊपर उसके कोई हम हैवी चीज़ रख देंगे। इसमें आपने कोई मज़ीद पानी नहीं डालना है, चिकन अपना पानी खुद छोड़ता है तो वो उसी पानी में ही स्टीम होकर पक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये हैवी पॉट रख दिया है इसके ऊपर ताकि इस पर एक तो स्टीम से अच्छा सा दम आ जाए और जो भी स्टीम है लीक ना हो। अब हमें इसे 10 से 15 मिनट के बाद उठाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसका कलर आया है और वो अपने ही पानी में पक रहा है। और हमने अब इसको पलट देना है, एक एक करके हम इसको पलटेंगे और फिर इसे दोबारा कवर करके हम इसे 6 से 7 मिनट के लिए दोबारा से स्टीम दे देंगे। तो हमने स्टीम बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं देनी क्योंकि अब ये देख सकते हैं कि हमने इसे 6 से 7 मिनट के बाद देखा है, इसमें अभी भी पानी है। हमने इसका ये पानी इसी में ही ड्राई करना है वरना चिकन में वो टेस्ट नहीं आएगा। ये हमने ओवर कुक कर लिया तो वो चिकन भी टूटने लग जाएगा। अब यहाँ पर मैं फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसको पका लूँगी क्योंकि अब मुझे इसका पानी खुश्क करना है। ज़्यादा देर भी नहीं हमें इसे पकाना है और हमें ज़्यादा गलाना भी नहीं है, पानी हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है। ये स्टीम हुआ हुआ है इसलिए हमने इसको हल्के हाथ से ही हिलाना है, ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे तो वो फिर टूट जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार
सुपर हिट स्टीम रोस्ट रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको ये ज़रूर 100% गारंटी के साथ पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और मेरा चैनल मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ के देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।